दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं पोई साग सीताफल के साथ। इसके लिए ले लिया है 300 ग्राम पोई साग, 300 ग्राम सीताफल। इसके लिए चाहिए हमें तेल, पचफोरन, हरी मिर्च, कद्दूकस करा हुआ अदरक, बारीक कटे हुए लहसुन, नमक, हल्दी। सबसे पहले पोई साग को बारीक से ऐसे काट लेंगे। देखिए हमारा पोई साग ऐसे कट गया है। अब इसे सीताफल को काट छीन ले पहले। इस तरह से सीताफल के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। देखिए हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो, इसमें पचफोरन डालेंगे। उसके बाद मिर्च कटा हुआ डालेंगे, कद्दू कस करा हुआ अदरक, थोड़ा सा भून लेंगे। अदरक ब्राउन हो गया है, अब इसमें लहसुन डालेंगे। देखिए हमारा लहसुन भी ब्राउन हो गया। अब इसमें हम सब्जी डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे ढक दें। देखिए 5 मिनट हो गया है चलाते हुए, अच्छी तरह से भून रहा है। और अब इसमें हम हल्दी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे ढक देंगे। सब्जी अच्छी तरह से भून गई है, इसमें पानी डाल देंगे, 1 कप पानी। आप इसे बीच बीच में चलाते रहें। देखिए सब्जी अभी पानी है, इसे पूरा सूखने तक पकाएंगे। देखिए सब्जी बिल्कुल पानी बिल्कुल नहीं है। अब हम इसे गैस बंद करेंगे। साग को प्लेट में निकाल लिया है, इसे चावल के साथ गर्मा गर्म सर्व करें।